बुद्ध, खुशी का फोन बिजी क्यों जा रहा है? डायल किया गया नंबर इस वक्त पता नहीं ये लॉर्ड गवर्नर किससे बात करे, और वो भी तब भी जब हमें जरूरी बात करनी है। जरूर अपने फियांसे से बात कर रही होगी। अरे हम तो आपको, खैर छोड़िए, हमने सिर्फ इसलिए फोन किया था क्योंकि एक्सक्यूज मी टेबल फॉर टू। हम यहाँ बैठने वाले हैं। आई नो, तभी चेयर पुल कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, प्लीज ऑर्डर मी सम। क्या लोगी? चाय। एक चाय और एक ब्लैक कॉफी। उसमें शक्कर मत डालना। शुगर अलग से ही आएगा मैम। अच्छा। आप सही थे। मैं कभी गलत नहीं होता। सर आपका ब्लैक कॉफी। ये तो काली है। दूध अलग से है, रिलैक्स। ये शुगर है, ये दूध और ये चाय, अपने टेस्ट के हिसाब से बना लो। चाय खुद ही बनानी है तो इन्हें किस बात के पैसे देते? इससे तो अच्छा हम बाहर ठेले पे जाके चाय पी लेते। चलो कम से कम एक बिस्कुट फ्री तो मिल गया। खुशी, अगर तुम्हारी चाय और बिस्कुट की इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई हो तो आकाश और पायल के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, हमें भी लगता है कि जीजी आकाश जी से। जब से जीजी ने आकाश जी को ना कहा तब से वो बहुत उदास है। हम बस चाहते हैं कि हमारी जीजी खुश रहे। आकाश के लिए भी यही ठीक होगा। मेरे ख्याल से ये डील अच्छी रहेगी। डील? डील मतलब? आई मीन उन दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आकाश अच्छा लड़का है, मेरा भाई है। उसके बावजूद भी अच्छे। अब उसके बावजूद भी जीजी ने ना कहा, मतलब आपके भाई इतने अच्छे हैं और उसके बावजूद भी हमारी जीजी बहुत जिद्दी है। एक बार उन्होंने ना कहा ना तो उस ना को हाँ में बदलना बहुत मुश्किल होगा। हमें किसी भी तरह जीजी को यह एहसास दिलाना होगा कि उनके दिल में आकाश जी के लिए क्या है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आकाश को बहुत सारे गिफ्ट्स लेके तुम्हारी दीदी से मिलने के लिए कहता हूँ। क्या ये आपका कोई बिजनेस नहीं है जो आपने जीजी को तोहफे दे दिए और फिर किसी कागजात पे उनके दस्तखत ले लिया? मतलब हमें कुछ अच्छा सोचना होगा, कुछ धमाकेदार, कुछ अलग। हमारे पास एक प्लान है। बोलो।
आइए तो सही। वेट, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ या हो, लेकिन इस मामले में हम साथ हैं। ओके देन। पर खुशी, एक प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्लान बहुत स्टूपिड है। फेल हो जाएगा। हमारा प्लान फेल नहीं होगा। आप चाहते हैं ना कि आकाश जी और हमारी जीजी साथ आ जाएं, तो यही काम करेगा। आप देखना। रुको रुको रुको। अगर जीजी ने हमें साथ देख लिया ना, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप आकाश जी को सब कुछ समझा दीजिएगा। खुशी, मुझे तुमसे कुछ तुम वहां क्या कर रही हो? जीजी, गाड़ी थोड़ा पीछे लीजिए ना। अच्छा सुनिए, जब हम उतर जाएंगे ना, आप गाड़ी यहां से ही निकाल लेना, वरना जीजी देख लेंगे। आकाश जी को सब कुछ समझा देना, ठीक है? ओके।